सुकेश, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप कुछ इस तरह का अपने कौन से फोटो में ब्लैक टोन दे सकते हो लाइटरूम एप्लीकेशन के मदद से। तो अगर आपको भी जानना है कि इस तरह का ब्लैक टोन कैसे देते हैं अपने फोटो में, तो ये वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और लाइटरूम एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये वाले फोटो को ओपन कर लिया है लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो लाइट्स वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो फोटो का कॉन्ट्रास्ट है इसे आपको पहले डिक्रीज कर देना है। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ -44। फिर जो हाईलाइट्स हम यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे ताकि जो भी हमारे फोटो में हाईलाइटेड पार्ट रहेगा थोड़ा और ब्राइट हो जाए। नेक्स्ट हम शेडो को थोड़ा सा डिक्रीज़ करेंगे, और वाइट्स को डिक्रीज़ करके ब्लैक्स को यहाँ पे इंक्रीज़ कर देंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे इस तरह का रहेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो हमारा हो गया। ये हो जाने के बाद इसके नीचे वाले टूल पर जाना, कलर वाला ऑप्शन पर, और यहाँ पर सबसे पहले आपको फोटो के वाइब्रेंस को इंक्रीज़ कर देना है, जिससे हमारा जो भी फोटो में लो सैचुरेटेड कलर रहेगा वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट आपको सैचुरेशन को डिक्रीज़ कर देना है -8। टिंट को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ +5 पे। टेम्परेचर को हम यहाँ पे थोड़ा सा माइनस पे रखेंगे, और फिर हम यहाँ पे ये वाला जो आइकॉन है मिक्स टूल, इसके ऊपर जाएंगे, और सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लू के सैचुरेशन को पूरा डिक्रीज कर लेता हूँ। जैसे देख सकते हो हमारे यहाँ पे जो क्लोथ्स है उसका सैचुरेशन डिक्रीज हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे जो रेड टोन है इसके ऊपर जाते हैं, और रेड टोन कभी कभी अपने फेस के लिए भी होता है और लिप्स के लिए भी होता है। अब यहाँ पे जूम करके देख सकते हो, उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं ऑरेंज टोन पे, जो कि हमारा स्किन का, तो इसका हम यहाँ पे सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ाएंगे, लुमिनस थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि फेस थोड़ा सा ब्राइट हो जाए, और ह्यू को थोड़ा सा प्लस के साइड रखेंगे। नेक्स्ट हम येलो पे जाएंगे, येलो कलर हमारे फोटो में नहीं चाहिए, सैचुरेशन बिल्कुल डिक्रीज़ कर लेता हूँ। और ग्रीन कलर जो है हमारा बैकग्राउंड का, उसका सैचुरेशन बिल्कुल मैं यहाँ पे डिक्रीज़ कर लेता हूँ, जो कि ट्रीज का है, और सीएन का भी सैचुरेशन डिक्रीज़ कर लेता हूँ। तो देख सकते हो हमारा ब्लैक यहाँ पे हो चुका है, यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसे डन। नेक्स्ट हम इसके नीचे वाले टूल पर जाएंगे, और सबसे पहले यहाँ पे फोटो की क्लैरिटी को थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज़ कर देंगे ताकि यहाँ पे एक स्मूथ सा इफेक्ट आ जाए। फिर हम यहाँ पे टेक्सचर्स को इंक्रीज़ करेंगे, और विग्नेट को यहाँ पे डिक्रीज कर देंगे ताकि बॉर्डर में शेडो आ जाए फोटो के। नेक्स्ट हम मिड पॉइंट को रख लेंगे इतना, फेदर्स को पूरा +100, रफनेस को भी प्लस कर देंगे, और ग्रेन्स को यहाँ पे इंक्रीज़ कर देंगे। नेक्स्ट हम इसके नीचे वाले टूल पे जाएंगे, और फोटो के शार्पनेस और नॉइस रिडक्शन को इंक्रीज़ कर देंगे। तो हमारा फोटो यहाँ पे फाइनली रिटच हो चुका है, देख सकते हो बिफोर वाला पिक, और इसे रिटच करने का देख सकते हो आफ्टर, कितना कमाल का लग रहा है। इसके बाद इस फोटो को शेयर करने के लिए आपके यहाँ पे एस वाला आइकन पर क्लिक कर देना, एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करके यहाँ पे डन कर देना, तो आपका जो फोटो फुल क्वालिटी में गैलरी में सेव हो जाएगा। तो चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में मैं ऐसा और वीडियोस लाते रहूंगा। और वीडियो को लाइक और एक अच्छे से कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक दे डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे।